अनइथिकल लोग हैं, नॉन इथिकल लोग हैं, इन्वेस्टमेंट है, सावधान, तुम्हारा बुरा समय शुरू होता है अब, क्योंकि अब भारत सरकार ने इथिकल कंपनियों के लिए रूल्स बनाए हैं और इन्वेस्टमेंट प्लान को 100% बैन किया है। तो आप सब लोग सुधर जाएं, संभल जाएं, और जो प्रोडक्ट की आड़ में गलत काम कर रहे हैं, भैया आप लोग भी अच्छा काम कर लो, अपने आप को करेक्ट कर लो, सुधार लो। मार्केट में कंपनियां रहनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। एक ही कंपनी राज नहीं करेगी, सभी कंपनियां काम करें, सभी कंपनियों के लीडर्स अचीवमेंट करें, सभी डायरेक्ट सेलर अपने कैरियर फ्यूचर बनाएं, वो चाहे किसी भी कंपनी के हों, लेकिन एक अच्छी इंडस्ट्री का निर्माण करो। सरकार ने जब आपको इतना प्रेफरेंस दिया है, इतनी रिस्पेक्ट दी है, आपके लिए रूल्स लेके आई है, तो सरकार के रूल्स का रिगार्ड हमें भी करना है, एज ए कंपनी भी, एज ए डायरेक्ट सेलर भी। दोस्तों, सरकार ने हमें ड्यूटियां दी हैं, ये कंपनी को ड्यूटीज दी है कि आपको ऐसे काम करना है, और डायरेक्ट सेलर को ड्यूटी दी है कि आपको ऐसे काम करना है। तो आज तक आप सबने जैसे भी काम किया हो रहा था, लेकिन अभी आने वाले समय में मैं एक मीटिंग लूंगा, या तो लाइव आना पड़े अगर कोविड या ओमिक्रॉन की सिचुएशन रही, या मैं टोपाज एंड अबव अपनी कंपनी के सभी डायरेक्ट सेलर या अमराल्ड एंड अबव का एक जूम सेशन लूंगा, जिसमें उन्हें डायरेक्ट सेलिंग के रूल से रूबरू कराऊंगा, कंपनी को क्या करना है और डायरेक्ट सेलर की ड्यूटीज क्या क्या है। क्योंकि दोस्तों, अभी एक इमेज बिल्डिंग बिजनेस हो गया, अभी एक ब्रांड होगी डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग की एक जगह बनी है भारत देश में, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जगह है, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग की जगह है। तो कोई भी डायरेक्ट सेलर पढ़ लेना, रूल्स वगैरह में लिखा है, अगर आप लोग पढ़ सकते हो, अपनी ड्यूटीज का निर्वाह जरूर करना।